टू वीके गौड़ क्लासेस। माई सेल्फ विनोद कुमार गौड़। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 20 ईयर्स इन सीकर राजस्थान। कल हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में वाक्य बनाना सीखा था हमने। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूजेज ऑफ प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल के उपयोग कहां किस प्रकार के वाक्यों में करेंगे, तो इसके सबसे पहला पॉइंट आपके सामने आ रहा है टू एक्सप्रेस परमानेंट एक्शंस। स्थायी कार्य व्यापार पद्धति को दर्शाने के लिए कि कोई कार्य स्थायी रूप से हो रहा है, होता है, इस प्रकार के कार्य के अभिव्यक्ति के लिए हम प्रेजेंट सिंपल की क्रिया का प्रयोग करेंगे। एज एग्जाम्पल तौर पे आई लिव इन नागौर, मैं नागौर में रहता हूं, इसका मतलब होता है कि मेरा स्थायी एड्रेस है, मेरा स्थायी पता है वो नागौर है। राहुल टॉक्स इन इंग्लिश, राहुल अंग्रेजी में बात करता है, उसका निश्चित तौर पर कार्य जो है वो अंग्रेजी में बात करना है। ही कम्स फ्रॉम जयपुर, वह जयपुर से आता है। इस प्रकार के कार्य को दर्शाने के लिए, इस प्रकार के परमानेंट एक्शन को दर्शाने के लिए हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल का ही प्रयोग करेंगे। बी पॉइंट के रूप में देखिए हैबिचुअल एक्शंस, आदतन कार्य को दर्शाने के लिए टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस। आदतन कार्य को दर्शाने के लिए हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल का ही प्रयोग करेंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कोई वाक्य जो है वो हैबिचुअल एक्शन है? प्राय प्राय क्या होता है कि एक उपवाक्य हो और उस उपवाक्य में बिफोर या आफ्टर के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग हो तो निश्चित तौर पर वह वाक्य जो होता है वो प्रेजेंट सिंपल को दर्शाने वाला होता है। एज एग्जाम्पल मोहन टेक्स मिल्क बिफोर स्लीप, मोहन सोने से पहले दूध पीता है, तो सोने से पहले दूध पीना उसकी आदत है, जब तक वह दूध नहीं पिएगा तब तक वो सोएगा नहीं। और इस वाक्य में ध्यान से देखना कि इस वाक्य में बिफोर है, बिफोर के तुरंत बाद में यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में स्लीप का प्रयोग है। सोने से पहले, सोने से पहले दूध पीना उसकी आदत है। ही ऑलवेज कम्स लेट, शी ऑलवेज कम्स लेट, वह हमेशा देरी से आती है, तो देरी से आना उसकी क्या है, एक हैबिचुअल एक्शन है। टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल या जनरल ट्रुथ, सनातन सत्य या सामान्य सच को दर्शाने के लिए, एक ऐसा सत्य जिसको कोई नकार नहीं सकता, जिसको कोई झुठला नहीं सकता, इस प्रकार के सच को अपन बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। एज एग्जाम्पल द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब दिशा में उगता है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि सूर्य का जो उदय होता है, सूरज जो उगता है तो वह पूरब दिशा में ही उगता है, इट्स ए यूनिवर्सल ट्रुथ। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको कोई नकार नहीं सकता। मिल्क इज वाइट, दूध सफेद है, तो दूध का स्वभाव क्या है, उसका नेचर क्या है, जनरल ट्रुथ है ये, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। और यहां पे जो इज है वो एक प्रकार से बी फॉर्म है, बी फॉर्म क्या है, बी की फर्स्ट फॉर्म के रूप में इज एम आर, बी की सेकंड फॉर्म के रूप में वॉज एंड वर, और बी की थर्ड फॉर्म के रूप में हम कहा मिलेंगे, बीन। इसलिए यहां पे मिल्क इज वाइट, दूध सफेद होता है। रूटीन एक्शन, नियमित या दैनिक कार्य को दर्शाने के लिए टू एक्सप्रेस रूटीन एक्शन, नियमित दिनचर्या को दर्शाने के लिए हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल का ही प्रयोग करेंगे। एज एग्जाम्पल माई फादर गेट्स अप एट 4 AM, मेरे पिताजी 4 बजे उठते हैं, 4 बजे उठना उनका एक नियमित दिनचर्या का हिस्सा है। टू एक्सप्रेस प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस या फ्रेम डिसीजन,
भविष्य में होने वाले योजनाबद्ध कार्यक्रम या स्थायी निर्णय को दर्शाने के लिए हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल का ही प्रयोग करेंगे। एज एग्जाम्पल, रेखा गेट्स मैरिड नेक्स्ट ईयर। टू एक्सप्रेस ओनरशिप, ओनरशिप मीन्स स्वामित्व। स्वामित्व का भाव दर्शाने के लिए हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करेंगे। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, इसका मतलब हुआ कि मैं एक कार का स्वामी हूं, एक कार का मालिक हूं। शी बिलोंग टू ए नोबल फैमिली, वह एक सभ्य परिवार से बिलोंग करती है। टू एक्सप्रेस फास्ट मूविंग गेम्स कमेंट्री, तेज गति से चलने वाले खेलों का आंखों देखा हाल बताने के लिए हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करेंगे। जब खिलाड़ी खेल के मैदान में मौजूद है और खेल रहा है और कोई एक व्यक्ति उसको देख करके उसका आंखों देखा हाल दूसरों को बताता है, इस प्रकार का भाव दर्शाने के लिए हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल का ही प्रयोग करेंगे। एज एग्जाम्पल, रोहित शर्मा हिट्स द बॉल एंड मेक ए सिक्सर। रोहित शर्मा गेंद को हिट करता है और गेंद साइड पे चली जाती है। अब इसको कमेंटेटर किस प्रकार बोलेगा, रोहित शर्मा हिट्स द बॉल एंड मेक ए सिक्सर। रोहित शर्मा ने गेंद को हिट किया और गेंद साइड पे चली गई। सेकेंड पॉइंट, इन कंडीशनल सेंटेंस, शर्त वाले वाक्य में यदि वाक्य की कंडीशन इस प्रकार हो कि दो उपवाक्य इफ से जुड़े हुए हों, पहले उपवाक्य में इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य हो और दूसरे उपवाक्य में विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। यहां पे शर्त इस प्रकार की होती है कि यदि दो उपवाक्य इफ से जुड़े हुए हैं और दूसरे उपवाक्य में क्रिया विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो तो इफ वाले वाक्य में हम प्रेजेंट सिंपल का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक शर्त की स्थिति आती है। एज एग्जाम्पल, इफ रवि वर्क्स हार्ड, यदि रवि कठिन परिश्रम करता है ही विल गेट सक्सेस। इफ रवि वर्क्स हार्ड कोमा ही विल गेट सक्सेस। यहाँ पे रवि की सफलता प्राप्त करने की शर्त क्या है कि यदि रवि वर्क हार्ड करता है, कठिन परिश्रम करता है तो ही उसे सफलता मिलेगी। कठिन परिश्रम किसके ऊपर है कि उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कि यहां पर शर्त क्या है कि यदि उसको सफलता प्राप्त करनी है तो शर्त यही है कि उसको कठिन परिश्रम करना है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यहां पर कंडीशन क्या हो गई कि इफ यू गिव मी ब्लड, यदि तुम मुझे खून देते हो, ब्लड देते हो तो आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यहां पे आज थर्ड पॉइंट, टू एक्सप्रेस न्यूज पेपर हेडलाइंस, अखबारों में आने वाली सुर्खियां, शीर्षक, हेडलाइन इत्यादि को दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का ही प्रयोग करेंगे। एज एग्जाम्पल, एनटीपीसी कट सप्लाई, एनटीपीसी है वो आज विद्युत की सप्लाई को कट करेगी। मिस्टर गौड रिजाइन्स, अखबार की हेडलाइन आ गई कि मिस्टर गौड जो है वो रिजाइन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, टू एक्सप्रेस ट्रेडिशनल एक्शंस, परंपरागत कार्यों को दर्शाने के लिए, ऐसे कार्य जो एक निश्चित परंपरा होती चली आई है, जो कार्य वर्षों से हो रहा है उनको दर्शाने के लिए। एज एग्जाम्पल, मुस्लिम्स गो टू मॉस्क्यू ऑन फ्राइडे, मुसलमान शुक्रवार को मस्जिद में जाते हैं। जो मुसलमान रोज मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाते हैं लेकिन उनकी एक परंपरा जुमे की नमाज अदा करना, वो भी शुक्रवार के दिन, शुक्रवार के दिन मस्जिद में नमाज पढ़ने जरूर जाते हैं क्योंकि मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ना उनकी एक परंपरा है या एक ट्रेडिशनल एक्शन है। पीपल व्हाइट वॉश देयर हाउसेज एट दिवाली, लोग दीपावली के आसपास अपने घर की सफेदी करते हैं। क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, इस बात की जानकारी तो नहीं है लेकिन इतना जरूर है कि एक परंपरा है कि जब कोई भी प्रकार का फेस्टिवल आता है तो उसके आसपास में लोग अपने घरों की सफाई करते हैं। पीपल वर्शिप द गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिवाली, लोग दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं।
हालांकि इसकी परंपरा क्या रही है, ऐसा बताया जाता है कि भगवान श्री राम ने रावण को पराजित करके वापस अयोध्या में वापसी की। इस संदर्भ में लोगों ने घी के दीपक जला करके दिवाली मनाई और उसकी उसको सेलिब्रेट किया। यहाँ पे भगवान राम की पूजा होनी चाहिए, चारों ओर खुशियों का व्यापार होना चाहिए, चारों प्रकार से व्यक्तियों में एंजॉय हासिल करना चाहिए, लेकिन लोग यहाँ पे भगवान लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक परंपरा है, हमने सदियों से देखा कि दीपावली के दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, मिठाइयां खाते हैं, खुशियां मनाते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, और यह एक प्रकार से परंपरा है कि लोग दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, इफ फॉलोइंग एडवर्ब्स आर यूज्ड इन ए सेंटेंस, यदि ये जो निम्नलिखित एडवर्ब्स जो दी गई है, इन एडवर्ब्स का यदि किसी वाक्य में आपको प्रयोग होता नजर आ रहा है तो उस वाक्य में हम सामान्य तौर पर प्रेजेंट सिंपल की क्रिया का ही प्रयोग करेंगे। ये जो एडवर्ब्स है, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, सेल्डम, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, डेली, नेवर, जनरली, ऑकेजनली, रेगुलरली, नॉर्मली, ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए मंथ, ट्वाइस ए ईयर, ट्वाइस ए वीक, ऑन या एट प्लस नेम ऑफ द फेस्टिवल, एवरी या ईच प्लस टाइम, ऑन प्लस नेम ऑफ द वीक। इनमें से यदि कोई भी एक एडवर्ब किसी भी वाक्य में आपको नजर आए तो निश्चित तौर पर आप वहां पे प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग कर सकते हैं। शी यूजुअली ईट्स स्वीट्स, सामान्य तौर पर वह मिठाई खाती है, तो इस वाक्य में यूजुअली शब्द का प्रयोग आपको नजर आ रहा है। सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है और यहाँ पे वर्ब जो है ईट है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा ईट्स। आई टेक टी ट्वाइस ए डे, मैं दिन में दो बार दूध पीता हूं, यहाँ पे जो एडवर्ब्स नजर आ रही है, ट्वाइस ए डे, दिन में दो बार। नेक्स्ट पॉइंट सिक्स है, किसी कार्य कुशलता का प्रदर्शन किसी अन्य को सिखाने के लिए जब किया जाता है, टू परफॉर्म द स्किलनेस बिफोर द अदर पर्सन टू लर्न हिम या हर, प्रेजेंट सिंपल विल बी यूज। एज एग्जाम्पल, वी टेक सम वाटर इन ए डिश बिफोर मेक द टी। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मैं आपको यह सिखा रहा हूं कि जब भी हम चाय बनाते हैं तो चाय बनाने से पहले हम एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लेते हैं, तो यहाँ पे सिखाने के लिए शब्द बोला जा रहा है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग ही हुआ है। आज के इस क्लास में आपने यूजेज ऑफ प्रेजेंट सिंपल को पढ़ा, मैंने प्रयास किया है कि आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। फिर भी मित्रों, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में जाएं और जाकर के उसमें आप अपना डाउट लिखें, मैं निश्चित तौर पे आपकी डाउट का समाधान करूंगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप मुझे लाइक देंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे भी एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आपको आगे और भी शानदार से शानदार ग्रामर की क्लासेज उपलब्ध करवा सकूं। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आई होप यू वुड डू सो। थैंक यू।